Like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic. क्या आप जानते हैं आज हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को शॉल से सम्मानित किया जाना सबसे ज्यादा आदर और सम्मान की बात माना जाता है। यहाँ तक कि पद्मश्री और राष्ट्रपति अवार्ड विनर्स का सत्कार भी शॉल के साथ ही करते हैं। चलिए ऐसी ही कुछ और इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं आज की हमारी वेशभूषा शॉल के बारे में। शॉल पर्शियन उर्दू भाषा का शब्द शाल से आया है। पुराने समय में लोगों द्वारा अपर बॉडी पर पहने जाने वाली वेशभूषा उत्तरिया भी एक तरह की शॉल ही थी। उत्तरिया को भी शॉल या घूंघट की तरह गले के पीछे से घुमाकर हाथों के आसपास शरीर के ऊपरी हिस्से में पहना जाता था। शॉल मेकिंग के पुख्ता सबूत 14th century में मिलते हैं, जब पर्शियन सूफी पोएट और मुस्लिम स्कॉलर सईद अली हमदानी लद्दाख आए। वहां उन्हें पता चला कि लद्दाखी कश्मीरी बकरियों का ऊन बहुत ही नरम होता है, तो उन्होंने उस बेहतरीन ऊन से सॉक्स बनाए और उस समय के कश्मीर के राजा सुल्तान कुतुबुद्दीन को गिफ्ट किए और राजा को ये सलाह भी दी कि उन्हें कश्मीर में शॉल बनाने के कारखाने लगाने चाहिए, और यहीं से जन्म हुआ पश्मीना शॉल को बनाने की कला का। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग 15th century के कश्मीर के राजा जैनुल अबिदीन को पश्मीना इंडस्ट्री का फाउंडर मानते हैं। उनके हिसाब से जैनुल अबिदीन सेंट्रल एशिया से बुनकर यानी वीवर्स को कश्मीर लेकर आए और लोकल लोगों को इस कला की ट्रेनिंग दी। पश्मीना पर्शियन शब्द पश्म से आया है, जिसका मतलब होता है वुल या ऊन, पर कश्मीर में पश्म का मतलब होता है रॉ वुल, जो कि हिमालयन पहाड़ी बकरियां चांगतांगी, सिंगरा और कार्पा हिरकस से आता है, जो कि लद्दाख, नेपाल और तिब्बत के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में रहती हैं, जहां का टेम्परेचर -40 degrees से भी नीचे गिर जाता है। लग्जरी और फाइन लिविंग के प्रतीक पश्मीना ऊन बस 12 से 14 माइक्रोन्स जितनी मोटी होती हैं और एक ह्यूमन हेयर से 6 गुना पतली। इसीलिए कई बार शॉल बनाते समय थोड़ी डेंसिटी देने के लिए सिल्क को पश्मीना ऊन में मिलाया जाता है। जितना ज्यादा सिल्क होगा, पश्मीना की क्वालिटी उतनी ही ज्यादा डाइल्यूट होगी, और यही बात इसका प्राइस भी तय करती है। अकबर की पश्मीना शॉल में काफी दिलचस्पी थी। उनके समय में ही पश्मीना शॉल पर एम्ब्रॉयडरी करने की शुरुआत हुई और आज भी इन शॉल्स को मोटिफ वर्क में मुगल प्रभाव को साफ देखा जा सकता है। अकबर इस शॉल के हल्केपन, गर्माइश और कोमलता से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इसे पहनने का एक अलग ही तरीका ईजाद किया, जो कि फैशन बन गया। इस तरीके में दो शॉल को बैक टू बैक सी दिया जाता है, ताकि शॉल का अंदरूनी हिस्सा दिखाई न दे। इसे दोशाला के नाम से भी जाना जाता है। बादशाह जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुज़्गे जहांगीरी में पश्मीना को अपना फेवरेट कपड़ा बताया है। पश्मीना को बनाने का प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा है। सबसे पहले बकरियों से पश्मीना वुल को उतारा जाता है, जो कि एक साल में बस एक बार पैदा होती है, और ये वुल उतारने का प्रोसेस दूसरी बकरियों की तरह बाल कतरने जितना आसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये वुल बकरियों की ऊपरी सतह पर नहीं बल्कि उनकी अंदरूनी स्किन के बहुत पास पैदा होता है। इसीलिए इसे बहुत ध्यान पूर्वक कंघी से ही निकाला जाता है, जो कि अपने आप में ही एक कला है। स्किन के पास होने की वजह से ही ये इतना नर्म और गर्म होता है। एक बकरी से ज्यादा 70 से 500 ग्राम तक ही ऊन मिलती है, और इसीलिए एक पश्मीना बनाने में कम से कम 2 से 3 बकरियों की ऊन लगती है। ऊन निकालने के बाद पश्मीना बनाने के लिए 3 प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, स्पिनिंग यानी कताई, वीविंग यानी बुनाई, और डाइंग यानी रंगाई।
इसकी वीविंग यानी बुनाई हाथों से ही की जाती है, जिसके लिए बहुत अव्वल दर्जे की कारीगरी की जरूरत होती है। कुछ एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स को बनाने के लिए कुछ दिनों से लेकर कुछ महीने, यहाँ तक कि कुछ साल भी लग सकते हैं। हम लोग डिजाइन को ही शॉल में बुनते थे, जिसको हम कानी बोलते हैं। बट कानी बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और उसके प्राइसिंग इज ऑब्वियसली ज्यादा है, तो एट सम पॉइंट इन हिस्ट्री ये हैंड एम्ब्रॉयडरी, जिसको हम कशीदा कारी बोलेंगे, वॉज इंट्रोड्यूस्ड जस्ट टू ब्रिंग द प्राइसेस डाउन। A normal shawl standard size is approximately 38 inches by 78 inches, which weigh anywhere between 140, 150 grams. So Pashmina is a heirloom, which would suffice you for a lifetime if you ask me. And you're also, you know, being a part of slow clothing like that. शहतूश, पश्मीना और रफल कश्मीरी शॉल को बनाने के लिए तीन सबसे ज्यादा पॉपुलर फैब्रिक्स हैं। शहतूश को ऊन का राजा भी कहा जाता है। इससे बनी शॉल अंगूठी के बीच में से भी निकल जाती है, इसीलिए इन्हें रिंग शॉल भी कहा जाता है। शहतूश से बने हुए शॉल ज्यादातर कंट्रीज में बैंड और इलीगल है। ये ऊन टिबेटन हिरन, जिसे चिरू भी कहा जाता है, से मिलता है और हिरन की ये प्रजाति अब खतरे में है, क्योंकि इन्हें इनकी स्किन और फाइन ऊन के लिए मारा जा रहा है। शानदार कश्मीरी पश्मीना शॉल उन कुछ चुनिंदा हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट्स में से एक है, जिसे कुछ सालों पहले GI टैग मिला है। कानी पश्मीना शॉल को बनाने की टेक्निक और नॉलेज पूर्वजों द्वारा अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सिखाई जाती है और गवर्नमेंट की 2016-17 की सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से बस 10,000 कश्मीरी कारीगर की फैमिलीज ही इन शॉल्स को बनाने का हुनर जानती थीं, जो कि 2007-08 की 1,300,000 फैमिलीज के कंपैरिजन में 10% से भी कम है, और अब तो बस 2,000 फैमिलीज ही बच गई हैं। वो कहते हैं ना कि सच कड़वा होता है, पर ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हर सच कड़वा हो। जैसे कि ये सच है कि हम आपसे फिर मिलेंगे वेशभूषा के एक और नए एपिसोड में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे ऐसी ही एक और अद्भुत, विचित्र और शानदार वेशभूषा के सफर पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वेशभूषा। क्या आप जानते हैं पटियाला के अवतार सिंह मोनी ने दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी पहनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो कि ऑलमोस्ट 13 ओलंपिक साइज्ड स्विमिंग पूल की लंबाई के बराबर है। ऐसी ही और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों के साथ हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।